शक्ति है, बजाइए जोरदार ताली, क्योंकि जो जनता है उसका काम सिर्फ ताली बजाना है, दरी बिछाना है, लेकिन अपने हक की बात बोलना नहीं है, क्योंकि हक की बात बोलिएगा तो केस हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। चुनाव का समय हो गया है, आ गया है, बड़ा बड़ा रैली होगा, बड़े बड़े पद यात्रा होंगे, बड़े बड़े गाड़ी यात्रा होंगे, और जो नेताजी यात्रा करेंगे उनका बेटा पढ़ता होगा ऑक्सफोर्ड में, उनका बेटा पढ़ता होगा JNU में, उनका बेटा पढ़ता होगा DU में, PU में, और सीधे और टिकट लेकर आएगा चुनाव लड़ने, कहेंगे कि हमारा बेटा तो योग्य है, चुनाव नहीं लड़ेगा, और हम आप जैसे गरीब लोगों के बेटा रोड पर इनकलाब जिंदाबाद, कभी हिंदुत्व बचाने के। बिहार में आज भी शिक्षित समाज की स्थिति कम है, जिसके कारण बहुत सारे बात पर उनकी समझदारी भी कम होती है। लोग कंफ्यूज है कि बिहार में वास्तव में लोकतंत्र लागू है या पुनः राजतंत्र लागू हो गया है। यह हम इस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। बेशक एक सरकारी कर्मी को, चाहे वो पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, राजनीति में भाग लेना न सिर्फ नियमतः विरोध है बल्कि उसे पाप माना गया है। हम लेते भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक शिक्षित समाज होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाने और लोगों को बताएं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है, जहां पूर्व से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कद्दावर नेता है, वो विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं, वहां से उनके जगह पर राजद ने उनके बेटा विश्वनाथ कुमार सिंह को सिंबल दे दिया है, टिकट दे दिया है। दूसरा सीट था तरारी, जहां से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद जी विधायक थे, जो सांसद बन चुके हैं, वहां से भाकपा माले तो अन्य दिया है, लेकिन भाजपा ने वहां से वह सीट ले लिया। तरारी सीट परंपरागत रूप से जदयू का था, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बचाव से उसने सीट ले लिया, लेकिन अफसोस है कि शायद उन्हें उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जदयू के उम्मीदवार सुनील पांडे जी, जो वहां के पूर्व विधायक, उनको हायर किए और उनके पुत्र को वहां से भाजपा ने टिकट थमा दिया। तीसरा सीट है रामगढ़, यहां से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू कभी विधायक हुआ करते थे, फिर वह सांसद बन गए, तो उन्होंने विधानसभा में वहां से टिकट अपने बेटा सुधाकर बाबू को दिलाया। सुधाकर कुमार सिंह मंत्री भी बने, हटे, फिर और बक्सर से टिकट मिला और बक्सर लोकसभा से सांसद हो गए। अब वहां से उपचुनाव हो रहा है, तो सुधाकर बाबू के सहोदर छोटे भाई यानी जगदा बाबू के छोटे बेटा श्री अजीत कुमार सिंह को वहां से सिंबल दे दिया गया है और टिकट दिया गया है। और सबसे हॉट सीट जो इमामगंज है, जो कद्दावर नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी यहां से विधायक थे, उन्हें 4 सीट मिला था, वो विधायक बने थे, लोकसभा में उन्हें 1 सीट मिला NDA गठबंधन के तहत, तो खुद वहां से चुनाव लड़ गए, फिर उन्हें MLC में 1 सीट मिला तो वहां से अपने बेटा को चुनाव लड़ा दिए, फिर मंत्रिमंडल में उन्हें 1 सीट मिला तो बेटा को मंत्री बना दिए, फिर उन्हें दिल्ली कैबिनेट में 1 सीट मिला तो खुद मंत्री बन गए, और अब जब वह सीट खाली हुआ है तो वहां से उनके बेटा डॉक्टर संतोष सुमन जी की पत्नी दीपा मांझी जी यानी उनकी पतोह को उन्होंने अपना सिंबल थमा दिया है और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात है, जहां 4 सीट है, चारों जगह कोई ना कोई पार्टी अपने ही पत्नी को, पुतोह को, बेटा को, भाई को लड़ा रहे हैं, खास करके 3 सीट पर तो डायरेक्ट जो खाली हुआ है उनके ही लड़ रहे हैं। तो भाई यह तो कंफ्यूजन वाजिब है कि इतने दिनों बाद स्वतंत्रता के बाद क्या उन क्षेत्रों में नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए ताली तो बनती है, बजाइए जोरदार ताली, क्योंकि जो जनता है उसका काम सिर्फ ताली बजाना है, दरी बिछाना है, लेकिन अपने हक की बात बोलना नहीं है, क्योंकि हक की बात बोलिएगा तो केस हो जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी हम जानकारी ले भी ले और थोड़ी जानकारी दे भी दे, कि जो भी शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, थोड़ा सोचिए कि कब बिहार में प्रजातंत्र लागू होगी, कब बिहार में लोकतंत्र लागू होगी, कब बिहार की स्थिति सुधरेगी, कब यहाँ के गरीब गुरुवा के नाम पर चंद मुट्ठी भर लोग शोषित करते रहेंगे उनको और अपना तिजोरी भरते रहेंगे। गरीब तो गरीबे रह जाता है, लेकिन गरीब का नेता काफी अमीर हो जाता है। यह कब सुधरेगा? जब हम जगेंगे, जब हम शिक्षित होंगे, और इसमें सबसे अधिक अहम भूमिका है तो शिक्षकों की होगी, क्योंकि उन्हें जगाना पड़ेगा, उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें गरीब गुरुवा के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, तभी अपने अधिकार को खोजेंगे और अधिकार को लड़ेंगे। अभी चुनाव का समय हो गया है, आ गया है, बड़ा बड़ा रैली होगा, बड़े बड़े पद यात्रा होंगे, बड़े बड़े गाड़ी यात्रा होंगे, और जो नेताजी यात्रा करेंगे उनका बेटा पढ़ता होगा ऑक्सफोर्ड में, उनका बेटा पढ़ता होगा JNU में, उनका बेटा पढ़ता होगा DU में, PU में, तो सीधे और टिकट लेकर आएगा चुनाव लड़ने, कहेंगे कि हमारा बेटा तो योग्य है, चुनाव नहीं लड़ेगा, और हम आप जैसे गरीब लोगों के बेटा रोड पर इनकलाब जिंदाबाद, कभी हिंदुत्व बचाने के लिए, तो कभी मुस्लिमित्व बचाने के लिए, तो कभी सिख बचाने के लिए, तो कभी जात बचाने के लिए, हम लोग उनके पीछे 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 करते रहेंगे और सारी जिंदगी इसमें बीत जाएगी। इसलिए आप तमाम जागरूक और शिक्षित लोगों से आह्वान करते हैं कि आप पढ़ाइए, पढ़िए और जागरूक बनिए, और जागरूक बनाइए, बिहार जगेगा, देश जगेगा।
शिक्षक जगेगा विश्व जगेगा और तभी विश्व का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय शिक्षा।